पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर सीतामढ़ी जिले भर में निकाला गया जुलूस। नमस्कार, मैं दीपक कुमार, पेश है बी न्यूज 24 के लिए सीतामढ़ी बिहार से ब्यूरो संवाददाता अशफाक खान की रिपोर्ट। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर रविवार को सीतामढ़ी शहर में विशाल जुलूस निकालकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मोहम्मद साहब के संदेशों को बताया। इस दौरान पुलिस प्रशासन के चुस्त दुरुस्त व्यवस्था देखी गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी के लिए रहमत बनकर आए थे और सभी को अमन एवं शांति को पैगाम दिया और कहा, महिलाओं, कमजोर, यतीमों, विवाहों और पड़ोसियों को भरपूर मदद करना चाहिए। मौके पर पहुंचे स्थानीय नेताओं ने और मौलाना और बुद्धिजीवियों ने हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी पर विस्तार से प्रकाश डाला और आपके द्वारा जिंदगी के सभी क्षेत्रों में किए गए कामों को लोगों को बताया। हजरत मोहम्मद साहब को पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे। आपने किसी को भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, पूरी उम्र लोगों को सही रहनुमाई करते रहे और लोग आपके विचारों और कर्तव्यों को देखकर आपके साथ होते गए। इस मौके पर जगह जगह स्टॉल लगाकर नौजवानों ने पानी फिरनी लड्डू से स्वागत किया। शांति अमन का पैगाम है कि पूरे देश में अमन चैन शांति रहे, इसी का पैगाम आज के दिन भी पूरे देशवासी को दिया जा रहा है जुलूस के माध्यम से। सर आप बताइए, आज मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मदिन, सभी लोगों को मुबारकबाद देते और आज पकड़ाए हुए मोहम्मद साहब के जन्मदिन सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते, शुभकामना देते। और मोहम्मद साहब का जब जन्म धरती पर हुआ तो उस समय यहाँ बहुत गरीबी थी, अशिक्षा थी, मतलब भ्रष्टाचार था, बेबस और जुल्म सितम किया जाता था। और मोहम्मद साहब के आने से दुनिया में खुशहाली आई, लोगों में खुशहाली आई, इसलिए आज के दिन सभी लोगों के मतलब कामना करते हैं अच्छा होने की, भला होने की कामना। बताइए, आज रहमतुल आलमीन इस आज के दिन ही तशरीफ लाए, जलवा फगन हुए इस जमीन पर और रहमतों की और बरकतों की बारिश लिए हुए और रहमतुल आलमीन सारे जहां के लिए दुनिया में मुसलमानों ने इसका पैगाम देता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि इसी दिन पैदा हो उसी के लिए जब तक दुनिया रहेगा उनका ये यादगार लोग मनाएगा। इसी के साथ में बात समझे हुए तो जो दरख्त सूख चुका था वो दरख्त हरा भरा हो
पत्ते हरे हो जाते हैं। जिन बकरियों के थनों में दूध सूख चुका था, पैगंबर इस्लाम पैदा होते हैं तो उन बकरियों के थनों में दूध आ जाता है खुद ब खुद। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस बंजर जमीन पे अपने कदम नाज को रख देते हैं, उस बंजर जमीन पे सब्जी उगा जाती है, हरियाली ही हरियाली हो जाती है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का पैगाम दिया है, भाईचारगी का पैगाम दिया है और पैगंबर इस्लाम ने इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब के पैदाइश पर यहाँ के लोगों ने एक दूसरे को जश्न मना और गले लगा आपसी भाईचारे का संदेश दिया। इस अवसर पर मनीष में मुस्लिम धर्म के